प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 28 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा, धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी, कर्ज से आपकी मुक्ति होगी। साल के अंत में या तो वाहन खरीद सकते हैं या तो संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है जिसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता पिता के अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है। देखिए, माता पिता के संस्कार संतान के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। माता पिता के कर्म भी संतान को शुभ या अशुभ रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता की संपत्ति संतान को मिलती है, वैसे ही माता पिता के कर्म भी संतान को मिलते हैं, शुभ कर्म शुभ रूप में, अशुभ कर्म अशुभ रूप में। इसीलिए जो माता पिता अपनी संतान का कल्याण चाहते हैं कि उनकी संतान तरक्की करे, उन्हें अपने कर्म ठीक अवश्य रखने चाहिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अगर बहुत समय से छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही हों, कभी सर्दी जुखाम है, कभी पेट में दिक्कत है, कभी हड्डियों में दिक्कत है, और ये परेशानी लगातार चल रही हो, क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार को, मेन डोर को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा, क्योंकि यहीं से सूर्य का प्रभाव जीवन में प्रकट होता है। घर में चंदन के सुगंध की धूप बत्तियां जलाइएगा नियमित रूप से, और नियमित रूप से किसी अस्पताल में धन या दवाइयों का दान करिएगा। एक मून स्टोन बनवा लीजिए, लगभग 8-10 रत्ती का मून स्टोन चांदी की अंगूठी में बनवा करके राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करते हैं तो स्वास्थ्य की छोटी से छोटी समस्या से आप बचे रहेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर आपको अपने पिता के साथ तालमेल ठीक रखना है, पिता के साथ संबंधों को बेहतर रखना है, तो रविवार को किसी भी धर्म स्थान में जा करके जिस भी संप्रदाय के मत के आप मानने वाले हैं उस धर्म स्थान में जाकर के प्रार्थना जरूर करें, और प्रार्थना करने के बाद रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान जरूर करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके पिता को भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, और आपके संबंध आपके पिता के साथ बेहतर हो जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।